मजा आ रहा खाने में हमारे भैया गौरव भैया, कैसे भैया? बढ़िया भैया, रेडी तैयार हो चुके हैं मैं और मेरा भतीजा नेफ्यू मेरा, ये देख लो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज क्या होएगा, आज क्या नहीं होएगा, सो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जस्ट राइट नाउ। सो एक्चुअली आज जो हम दिल्ली से यहाँ आए हैं, रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली रीज़न ये है कि मैरिज है किसी की, उनमें आए हैं, मेरी सिस्टर लगेंगी वो, उनकी शादी उसी में है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा पापा जी ने सामान भी खरीदा था और मैंने उसमें बताया भी था कि वो देते हैं, आपने नहीं देखा हो तो जाके चेक कर लेना। इससे पहले वाला ब्लॉग उसमें पापा जी ने टीवी खरीदा वो देने के लिए। सो आज उनकी मैरिज है, कज़न सिस्टर लगेंगी मेरी। सो आज उनकी मैरिज है तो प्रिपरेशन वगैरह क्या क्या हुई है वो सारी चीज़ें भी आपको चलते दिखाते हैं। और तुम्हारे भाई का गला भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया पहले से, सो अब चलते देखते हैं क्या क्या टेंट वगैरह लगता है, क्या प्रिपरेशन कर रखा है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और भी मतलब मेरे रिलेटिव में मैरिज थी, उस रीज़न से भी आए थे, बट क्या है अभी क्या है कि एक्चुअली वो पोस्टपोन कर दी गई, टाल दी गई है। सो डेट अभी पता नहीं है कब होएगी कब नहीं होएगी। सो ये अभी आपको देख नज़र आ रहा है, प्रिपरेशन चल रही है, इसकी तैयारी हो रही है और ये सारी चीज़ें की जा रही है, सजावट हो रही है। इसमें देखिए कुछ इस तरीके से है और ये जो सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे लड़का फूल लेके सजा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो होगा स्टेज, वहाँ पे शायद लड़का एंड लड़की बैठेंगे तो सजाया जा रहा है। तो पर्दे वगैरह सब ये खुलेंगे अभी नहीं, रात को खुलेंगे, तो मैं रात को दिखाऊंगा आपको ये व्यू, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में रात में लाइटिंग वगैरह जलेगी तो। ये रहा वो जो मैं अभी आपको बोलता स्टेज सब बनेगा, तो अभी ये डेकोरेट हो जाएगा, शाम में दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन होगी जैसे दिखने में भी लग रही है। तो शाम को जैसी होती है तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। सो बने रहेगा वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आज। प्रिपरेशन हो रहा है फूड खाना बनाने का, तो आपको जैसा नज़र आ रहा है देखिए यहाँ पे आलू वगैरह सब छिले जा रहे हैं। सो सब ये प्रिपरेशन हो रही है, जो जो बनेगा ये अभी शाम में तो आपको वो दिखेगा ऐसे बनेगा। हालांकि आपको बताया कि सारी चीज़ें अभी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि सारा 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 जो मेन चीज़ होगा वो सारी चीज़ शाम में दिखेगी। अभी मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये सब हमारे के मतलब हमारे गांव में कैसे करते हैं सारी चीज़, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आपको ये नज़र जो आ रहा है अभी ये तंबू से गड़े हुए और यहाँ पे भी टेंट लगेगा, अभी यहाँ पे टेंट लगानी है एक्चुअली, अभी वहाँ पे लगा रहे तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया, तो दो जगह कर रहे हैं टेंट लगाने का। वहाँ पे शायद डिनर वगैरह है और यहाँ पे मतलब सोने के लिए शायद व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए यहाँ पे टेंट लगाएगा, तो वहाँ से लग जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा शाम में। तो थोड़ी देर में जब भी लगेगा तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा शाम का व्यू, सारी की सारी चीज़ आपको मैं कवर अप करूंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। अब आ चुके हैं जहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, डेकोरेशन हो गई है, शाम हो गई है थोड़ी और लाइट वगैरह लगा दी गई, थोड़ा चमक रहा और अभी ये आ रहा बंदा, ये हमारा भाई लगेगा, इसका नाम है पीयूष। ये रहा स्टेज पूरा तैयार हो चुका है, यहाँ पे लड़का लड़की बैठेंगे ना, यहाँ पे लड़का लड़की बैठेंगे, दुल्हन दुल्हन बैठेंगे और ये पूरा डेकोरेशन करते देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पहले स्टैंड खाली था, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इधर आपको ये दिख रहा है शो पान स्टोर लिखा हुआ, तो यहाँ पे पान वगैरह जो मतलब शादी में लगाते हैं, जो खाते हैं वो खाने वाले खाते हैं। और इस साइड जो सामने यहाँ पे देखो यहाँ पे बैठे हुए, ये कार्ड लिख रहे हैं भैया है हमारे, ये कार्ड लिख रहे हैं भैया जो मतलब शादी में देते ना अपनी तरफ से जो लिखवाते हैं कार्ड, वो लिख रहे हैं वहाँ पे भैया। मजा आ रहा खाने में, क्या खा रहा है? छोले, अच्छा है, खा ले फटाफट खा ले। हमारे भैया गौरव भैया, कैसे भैया? बढ़िया है भैया, सही है ना, डेकोरेशन सही है सारी, अच्छे लग रहे हैं ना सब, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो अभी रेडी तैयार हो चुके हैं मैं और मेरा भतीजा नेफ्यू मेरा, ये देख लो। और अब शाम हो चुकी है प्रॉपर, जैसा आपको नज़र आ रहा है अंधेरा हो चुका है रात, और अब रात वगैरह आएगी तो इसलिए रेडी तैयार होते, तो इसलिए रेडी तैयार हो गए। और आगे अब क्या क्या चीज़ें होगी, बारात आएगी तो वो सारी चीज़ दिखाएंगे। सो आपको देखने में मज़ा आएगा, ब्लॉग को एंड तक देखना, इसकी मत करना, बहुत अच्छी वीडियो होगी, बहुत अच्छा ब्लॉग होगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा आपको देख। बराती वगैरह आ चुके हैं, जैसा आपको मेरे पीछे गाड़ी वगैरह नज़र आ रही हो, ये सारी गाड़ी में बराती आए हैं और उनकी जो सेवा पानी की जाती है, पहले जो पानी वानी पिलाया जाता है, मिठाई उठाई खिलाया जाता है, वो खिलाया जा रहा है हमारे में, पहले ऐसा होता है। और उसके बाद सेवा पानी करने के बाद उनकी क्या होएगा कि ये दुबरा लगता है, हमारी भाषा में दुबरा बोलते हैं, जैसे बम पटाखे फूटते शादियों में जाते हैं बम पटाखे फूटते, तो वैसे यहाँ पे भी बम पटाखा फूटेगा, तो वो आपको दिखाएंगे। पहले नाश्ता पानी कर रहे हैं, सेवा पानी तो वो दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे घराती और बराती सब है, पापा भी वहाँ पे खड़े आपको दिख रहे नजर आ रहे, तो देखो हम भी खा रहे हैं और भैया लेकर आए, भैया भतीजे लेकर आए मेरा, तो हमें खाते रसगुल्ले वगैरह, और इधर सारे लोग खा रहे हैं, दोनों फैमिली की मतलब लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि दिखाऊंगा हमारे दुबला, ये तो दुबला लग चुका है और रथ मेरे पिता को नजर देखे, चीजें बदले
ये सब पीछे चल रहा है और इसके पीछे एक रहता है उसमें झूले बैठते हमारे में घोड़े पे नहीं आते रथ पे आते हैं झूले साहब, तो झूले को अभी चल के दिखाएंगे और यहाँ पे बम फटाके फूट रहे वो भी दिखाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसमें बम फट जा रहे हैं लेके खड़े हैं रोशनी के लिए भी, और इसमें से बम लेकर के जला रहे हैं ऊपर तक शॉर्ट्स फटने वाले जो होते हैं वो फटते हैं इससे। अब देखो बम लगाएंगे इनके हाथ में भी शॉर्ट्स जलाएंगे। और ये डीजे है इसके पीछे लोग नाच रहे हैं, ये सारे लोग नाचते हैं आपको ऐसा नजर आ रहे हैं देख रहे हैं आप जैसे सारे लोग नाच रहे हैं यहाँ पे ये पूरे पीछे से है। अब यहाँ पे अंदर खाना खा रहे हैं, तो ये देखिए इतनी सारी टेबलें लगी हुई सारे खाने खाने की। पापा जी और ये भैया है मेरे, राकेश नाम है इनका, आपको भैया आया कर दो। तो भैया है इनका नाम राकेश है, बहुत टाइम बाद मिला हूँ आपसे मैं। तो ये भी भैया हमारे, इधर आपको मैं दिखाता हूँ दूल्हे साहब बैठे आपको नज़र आ रही है देखिए, तो दूल्हे बैठे हैं और अभी यहाँ स्टेज पर बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखिए ये बनाए पूड़ी पापड़ राइस एंड पापड़ सब्जी है, किस चीज़ की दाल है, ये बहुत सारी वैरायटीज की डिश बनी हुई है। ये क्या है भाई छोले, छोले है ये, और ये क्या है करेला है ये, और ये सूखी सब्जी मिक्स में है भाई करेले ये भी है, भिंडी ये भिंडी की सब्जी है, और ये है ये सूखी सब्जी, सारी की सारी बहुत वैरायटीज बनी है तो ये सारे हैं और सब लोग खा पी रहे हैं, टेस्ट बढ़िया अच्छा लगा सबको, मज़ा आ रहा है इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अभी इधर वेट कर रहे हैं दुल्हन को लेके जाएंगे आप। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जा चुके हैं और अभी वहाँ पे रस्में होंगी बहुत सारी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी हम इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, सिस्टर सारी सिस्टर और मेरा भतीजा बैठा हुआ है इधर, हम सोच रहे हैं कि खाना वाना खा ले तो देखते हैं खाना खाने चलते हैं कि नहीं, अभी इनसे पूछता हूँ मैं खाना खाने जा रहे हैं नहीं जा रहे, चलो खाना खाने चलो चलते हैं खाना खाने चलो। तो ये पूरी फैमिली बैठी है हमारी सब खा रहे हैं साथ में, और इधर ये सबसे मिलवाता हूँ मैं, ये मम्मी जी इधर मेरी बड़ी मम्मी, और ये मम्मी ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है, ये भी मेरी भाभी है, ये मेरी बुआ है और ये मेरी बहन है, सब लोग बैठे हैं बिट्टी है सब खा रहे हैं तो सबको ला के देते हैं फटाफट खाना। सो ये मेरा छोटा वाला भतीजा है और देखो ये कितना स्मार्ट लग रहा आज, हाय कर दो हाय करो हाय, और ये गॉगल्स पहने इनने ऐसे पहन रखे वेयर कर रखे हैं, बट अगर अच्छा लगा था आप कमेंट में बता देना, बोलो चाचा का चैनल सब्सक्राइब कर दो सारे लोग। तो मम्मी पापा जी जा रहे हैं, हम लड़का लड़की स्टेज पे बैठे हैं उनको आशीर्वाद देने से चलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर मम्मी पापा जी हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं लड़का लड़की को, ये दोनों जने देखो कितने क्यूट कपल। गाइस
आज है नेक्स्ट डे और आज होगी लड़की की विदाई। उससे पहले हमारे यहाँ पे सारी रस्में की जाती, तो सारी रस्में वगैरह जो होती है आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाड़ी आ चुकी है दूल्हे की और इसमें जाएगी दुल्हन। तो अब ये जा रहे घर के पास से, जहाँ से मतलब लड़की का घर है वहाँ से दुल्हन को लेकर के आएंगे। तो ये सारे सामान है जो लड़की को दिए जाते हैं, हर लड़की को देते हैं अपने घर वाले। तो ये इधर दिया गया है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लोड हो चुकी हैं क्योंकि मैं लेट आया इसलिए। तो मैं पहले आपको दिखाता कि लोड करते हो सारी चीज़ें। सो गाड़ी लग चुकी है लड़की के घर के आगे और अब इसमें लड़की जाएंगी बैठ के। लड़की का सामान वामान है, ये देख रहे हो आप, जो पेटी वेटी सी दिख रही है इसमें सामान है, इसमें रखा होता है। और लड़कियाँ भी आ रही हैं, निकल रही घर में से। उससे उसके बाद का जो आप जानते हैं क्या हाल होता है, लड़की जब जाती है तो कितना रोना वोना होता है। सो लड़की आ चुकी है और आपको नजर आ, जैसे कि देखिए लड़की रो रही है, जा नहीं रही गाड़ी में, बैठ नहीं रही है, कोई जाना नहीं चाहता है, कोई देखो गाड़ी में नहीं बैठ रही, रो रही है कितनी, देखो मम्मी को पकड़ के अपने रो रही है बहुत। देखो बिठाया इनको गाड़ी में, जब अब बैठ गए हैं। और ये दोनों भाई है जो इनके खड़े हैं ना, ये लड़की के भाई हैं ये दोनों। सो गाड़ी जा रही है, अब लड़की इसमें बैठ गई है, आगे तक छोड़ेंगे लड़की को अभी। तो इसमें दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब गाड़ी जा रही है। तो अब चलते हैं अब यहाँ से, अब यहाँ से क्रॉस होगी रोड, आपको नजर आ रहा है, इस रोड से चले जाएगी। सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, एंड आई नीड योर सपोर्ट फॉर आप लोग, आप लोगों की दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। पैसा धर के कमाता है सिनेमा हर इंसान, कमाता है मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज अजय कुमार ब्लॉग्स। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर गाइस।